कैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से निकालते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद करने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, याद नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। उस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर लोगे। सुन सेक्सी तेरे नाल प्रॉफिट बिफोर टैक्सी, ऐड कर तेरे दिल विच जो राइट ऑफ सी, लेस कर प्यार वाली ड्रिप सी, ये दोनों बातें नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैसी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्टडीज भी बड़ी धमाकेदार चल रही होंगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा वीडियो जो कैश फ्लो का आगे का पोर्शन है। इसमें हम कवर कराने वाले हैं आपको कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की दो वीडियो होंगी जिसमें मैं ये सारी ट्रिक आपको कवर करा दूंगा और पूरा फिर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत आराम से निकाल लेंगे। यानी कि फॉर्मेट को लर्न करो, ये करो वो सारी की सारी झंझट खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब आप सही चैनल पे आ गए हैं अकाउंट्स हवेली पे। तो हम आपको उसको लर्न करने की जो ट्रिक है वो बताने वाले हैं। चलिए मैं आपको कुछ लाइनें बताता हूं, वो लाइनें आपको याद करनी है जिससे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लर्न हो जाएगी। चलिए शुरू करता हूं वो लाइनें। तो इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपका लगभग 60% ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो चुका है। कैसे, तो चलिए बताता हूं। पहली लाइन थी हमारी, सुन सेक्सी तेरे नाल प्रॉफिट बिफोर टैक्सी। इसका मतलब यह है कि हम जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे निकाला है, उसका एक अलग वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट में हम आपको सिखा देंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है। बहरहाल आपको इतना याद रखना है कि जो शुरुआत होगी हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो आपकी स्क्रीन पे आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, यहां तक आपने ये फॉर्मेट कवर कर लिया है। तो शुरुआत कहां से होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ चीजें हमें प्लस करनी है, कुछ चीजें हमें माइनस करनी है। उससे हमारा जो निकलेगा, जहां तक हम निकाल रहे हैं वहां तक आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। तो वहां तक निकालने के लिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करना है, दूसरी लाइन पर ध्यान देते हैं। दूसरी लाइन हमने आपको बताई थी, ऐड कर तेरे दिल विच जो राइट ऑफ सी। यहां पर पहली अंडरलाइन करने वाली बात है ऐड, यानी कि ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये आपको पीबीटी में यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करनी है। अब क्या ऐड करना है, दिल में जो रिटेन ऑफ है, यानी कि डी आई एल एंड रिटेन ऑफ, ये हमारा नेक्स्ट कोड है जो हमें याद रखना है। डी मतलब डेप्रिसिएशन को आपको ऐड करना है, आई मतलब इंटरेस्ट पेड को आपको ऐड करना है, एल मतलब लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो या लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, इनको आपको ऐड करना है। उसके बाद में रिटेन ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने इंटेंजिबल या गुडविल को रिटेन ऑफ किया है उसको भी आपको यहां पर ऐड कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, लेस कर प्यार वाली ड्रिप सी। इसका मतलब आपको ये वाली बातें जो यहां बताई गई है वो लेस करनी है। क्या क्या लेस करनी है, तो यहां पे कोड है ड्रिप, डी आर आई पी, आपको ड्रिप लेस करनी है। डी का मतलब क्या है, डिविडेंड रिसीव से है। आर का मतलब क्या है, रेंट रिसीव से है। आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रिसीव से है। उसके बाद पी का मतलब क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। तो यहां तक आप प्लस माइनस करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सर क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकल गया? नहीं बेटा, इसके बाद भी कुछ चीजें हैं। यहां तक प्लस माइनस करने के बाद जो आता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो चीजें हमने प्लस और माइनस की हैं वो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश वाली थी, इसलिए हमने उनको या तो प्लस किया था या उनको हमने माइनस किया था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका बहुत सारी जो क्वेरी डाउट्स थे वो सोल्व हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक जो आपके साथ ही ट्वेल्थ में हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनी स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।